Hello and welcome to all my dear students. Guys, I hope you are doing great and yes, of course, stay safe at your home. So guys, as well as today, I have to again come in front of you with a new topic from your GK syllabus. And today's topic is very unique for you. Today, I'm going to teach you about my school. आज हम माई स्कूल के बारे में पढ़ेंगे कि स्कूल क्या है, कैसे है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसमें, हम क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन कौन से रूम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम स्कूल में के बारे में आपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो जस्ट लुक एट दिस एंड स्टार्ट विद मी. माई स्कूल इज़ वी हैव अ बिग स्कूल बिल्डिंग. जो स्कूल की बिल्डिंग्स होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं. इवन जो हमारे स्कूल की बिल्डिंग है वो भी बहुत बड़ी सी है. दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि वी हैव अ बिग स्कूल बिल्डिंग. उसमें बहुत सारी क्लासेस होती हैं, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं. लाइक इफ आई एम सेइंग वी लर्न टू रीड एंड राइट एट स्कूल. हम स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो कि हम सिर्फ और सिर्फ स्कूल जाके ही कर सकते हैं. घर पे ये रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल नहीं होती हैं. अब स्कूल बिल्डिंग हैज़ डिफरेंट रूम्स. जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे स्कूल की जो बिल्डिंग्स हैं या होती हैं, या आपके स्कूल की जो बिल्डिंग्स हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग रूम्स होते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं. अलग अलग वर्क उन रूम्स में किया जाता है, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ की जाती है. तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद मी डिफरेंट रूम्स इन आवर स्कूल. और इसमें जो हमारा सबसे पहला रूम होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी स्कूल, एंड दिस रूम इज येस प्रिंसिपल ऑफिस. हमारे स्कूल का जो हेड होता है उनको हम प्रिंसिपल कहते हैं. फिर वो मैम भी हो सकती हैं, सर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. तो जो पहला रूम होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफिस, जिसमें हमारे स्कूल की प्रिंसिपल्स बैठती हैं और अपने डेली रूटीन के स्कूल से रिलेटेड वर्क वो कंप्लीट करती हैं, इंस्ट्रक्शंस देती हैं. आफ्टर दैट वी स्टडी इन आवर क्लासरूम. हमारे पास क्लासरूम होता है जिसमें हम पढ़ते हैं. उसमें हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं एक ही क्लास में बैठ के, लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं. सो वी स्टडी इन आवर क्लासरूम. आवर क्लासरूम हैज़ डेस्क एंड बेंचेस. जो हमारा क्लासरूम होता है उसमें हमारे बैठने और पढ़ने के लिए टेबल्स होते हैं, चेयर्स होते हैं, जिसको हम डेस्क और बेंचेस कहते हैं. इस पे बैठ के हम टेबल पे कॉपी बुक्स रख के ब्लैक बोर्ड से पढ़ते हैं. आफ्टर दैट ब्लैक बोर्ड, जो भी हमें हमारी टीचर, हमारे सर पढ़ाते हैं, उसको लिख, जहाँ पे वो लिखते हैं उसे हम ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड कहते हैं. उसी पे वो लिखते हैं, हमें समझाते हैं और हम उसी से देख के अपने कॉपी में लिखते हैं और कॉन्सेप्ट को अच्छे से अपने माइंड में लाते हैं. देयर इज़ अ टेबल एंड चेयर फॉर द टीचर. हमारे क्लासरूम में हमारी टीचर के बैठने के लिए भी टेबल्स और चेयर्स होती हैं जिस पे वो बैठती हैं और हमारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कराती हैं, पढ़ाती हैं. द ऑफिस स्टाफ वर्क इन द स्कूल ऑफिस. हमारे स्कूल के अंदर एक ऑफिस बना होता है जिसमें हमारे ऑफिस के लोग बैठते हैं, जो उसमें बैठ के कंप्यूटर पे बहुत डिफरेंट टाइप के वर्क करते हैं. स्कूल से रिलेटेड उनके वो वर्क होते हैं. They help the principal to manage the school and type out important letter. ये जो ऑफिस के लोग होते हैं वो अपने ऑफिस में बैठ के प्रिंसिपल के कामों को मैनेज करते हैं और बहुत सारे लेटर्स टाइपिंग करते हैं. They also type our question paper. हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हमारे एग्ज़ाम्स भी होते हैं, उस एग्ज़ाम के लिए पेपर्स बनते हैं, तो वो टाइपिंग का काम भी ऑफिस के ही लोग करते हैं. तो एक रूम हमारा ऑफिस स्टाफ का होता है. नेक्स्ट इज लाइब्रेरी. लाइब्रेरी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी स्कूल. इसमें बहुत सारी बुकों का कलेक्शन होता है जो बहुत हेल्प करता है टीचर, स्टूडेंट सबको चीज़ों को अलग अलग तरीके से देख के
कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए. नेक्स्ट इज म्यूजिक एंड डांस रूम. हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो पढ़ाई के अलावा अलग होती हैं, जिसमें एक होता है म्यूज़िक और डांस. म्यूज़िक और डांस बच्चों के लिए मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो स्कूल में ये भी एक्टिविटी होती है. आफ्टर दैट कंप्यूटर रूम. कंप्यूटर आज की टाइम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम सभी को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए हर स्कूल एक कंप्यूटर रूम बनाता है जिसमें बच्चों को कंप्यूटर पे कैसे वर्क करना है वो सिखाया जाता है. आफ्टर दैट प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी मस्ट फॉर स्कूल, बिकॉज बच्चों का जो पढ़ने के बाद का जो थोड़ा सा फ्री टाइम होता है वहाँ पे वो बहुत अलग अलग तरीके से गेम खेल के अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री करते हैं, ताकि गेम के बाद, लंच के बाद वो जब पढ़ाई करने बैठे तो अच्छे से पढ़ सकें. नेक्स्ट इज फर्स्ट एड रूम. किसी भी स्कूल में जहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ कभी कभी कुछ मिस हैपनिंग्स भी हो जाती हैं छोटी मोट, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट एड रूम बनाए जाते हैं जहाँ पे इस टाइप की चीज़ों को रखा जाता है ताकि बच्चों को प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व किया जा सके. स्टाफ रूम. स्टाफ रूम हर स्कूल में होता है. यहाँ पे सारे टीचर्स एक साथ बैठ के अपने स्कूल की एक्टिविटीज़ करते हैं, कॉपी चेक करते हैं, बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें को कंप्लीट करने के लिए स्टाफ रूम बनाए जाते हैं जहाँ पे सारे टीचर्स एक साथ बैठते हैं. येस द वेरी इम्पोर्टेंट. द स्कूल पियॉन्स हैव डिफरेंट जॉब. जो स्कूल के पियोन होते हैं यानी जो चपरासी होते हैं उनका भी अपना एक डिफरेंट काम होता है, और इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी स्कूल में. ये दे ऑल्सो हेल्प टू कीप द स्कूल क्लीन. ये स्कूल को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं तो लंच में या बाकी टाइम पीरियड पे बहुत सारी गंदगी हो जाती है, जिसको ये बहुत अच्छे से साफ करते हैं और स्कूल को वापस से क्लीन कर देते हैं. इसके अलावा भी इनके पास काम होता है. वन ऑफ देम रिंग द स्कूल बेल. किसी भी एक प्यून को ये वर्क दिया जाता है कि वो टाइम टू टाइम टाइम टेबल के हिसाब से स्कूल बेल को बजाता रहे, ताकि टीचर्स भी अवेयर रहें अपने अपने क्लासेस को लेके एंड बच्चे भी अवेयर रहें अपनी चीज़ों को लेके. आफ्टर दैट द गार्डनर कीप्स द गार्डन नीट एंड क्लीन. स्कूल में जो प्लेग्राउंड होता है उसमें गार्डन एरिया होता है जिसमें बहुत अलग अलग तरीके के फ्लावर्स और ग्रास होती हैं, जिनको क्लीन करना और सेट करने का काम भी एक प्यून का होता है, और उसको वहाँ पे गार्डनर का नाम दिया जाता है. तो इनका भी एक काम होता है, ये स्कूल को क्लीन करते हैं, गार्डन को क्लीन करते हैं. ही ऑल्सो रिमूव द डर्ट एंड वीड्स फ्रॉम द गार्डन. ये गार्डन से जो गंदगी होती है उसको ये हटाते हैं और उसको क्लीन करते हैं, नीट एंड क्लीन करते हैं, ताकि जो भी फ्लावर्स और डिफरेंट टाइप के डेकोरेटिव प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर सकें. इसके अलावा द टॉयलेट इज़ अवर स्कूल आर ऑल्सो क्लीन. स्कूल में जहाँ पढ़ने की ज़रूरत होती है वहीं पे बच्चों के पानी पीने के लिए या वॉशरूम जाने की भी अलग बनाई जाती हैं चीज़ें, तो इसलिए टॉयलेट भी बनाए जाते हैं, और टॉयलेट का क्लीन होना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, सो दीज आर सम एक्टिविटीज़, दीज आर सम रूम्स इन क्लासरूम. आफ्टर दैट लेट्स स्टार्ट अ क्विक रीकैप, बिकॉज यू नो कि रीकैप या रिवीजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन. सो लेट्स स्टार्ट अ शॉर्ट रिवीजन ऑफ टुडेज वीडियो. दे आर मैनी रूम्स इन अ स्कूल. मेरा स्कूल है इसमें बहुत सारे रूम होते हैं अलग अलग तरीके के. एंड द सेकेंड पॉइंट इज वी लर्न मैनी थिंग्स एट स्कूल. हम स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं अलग अलग तरीके की, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जो बहुत अलग होती हैं और हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल होती हैं फ्यूचर ग्रोथ के लिए. अवर टीचर्स हेल्प अस टू लर्न ऑल दो दीज थिंग्स. और ये सारी एक्टिविटीज़, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इन सबको कम्प्लीट कराने के लिए हमारे टीचर्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं. तो ये वो रिकैप हैं जो हमने आज के वीडियो में पढ़े. इसके अलावा हम सभी को अपना स्कूल बहुत प्यारा होता है. लव माई स्कूल वेरी मच. मुझे बहुत पसंद है, आपको भी आपका स्कूल बहुत पसंद होगा, आई नो वेरी वेल. सो गाइज, नाउ
Today I am going to wind up my chapter here. I hope you like this video. Tomorrow I will come with a new topic, new discussion with lots of interaction. Till then, have a nice day and keep learning, because learning is very important for you.